कंग्रेचुलेशंस डियर फ्रेंड्स 21 वन डेज मिरर वर्क फॉर इनर ग्रोथ की ये जर्नी में आपने सक्सेसफुली टू वीक्स कंप्लीट कर दिए हैं आज 14 डे है और लव योर सेल्फ में आज हमने दो वीक में क्या क्या सीखा है ओवरऑल इसका रिव्यू करेंगे डियर फ्रेंड्स और उसके बेस पर ही आज मिरर वर्क होगा और जर्नलिंग एक्सरसाइज भी होगी सो टुडे यू रिव्यू योर प्रोग्रेस इन योर मिरावर्क एंड लर्न हाउ टू गिव योर सेल्फ मोर टाइम एंड एनकरेजमेंट ऑन द जर्नी सो आज हम आपकी प्रोग्रेस देखेंगे कि अभी तक आपने क्या सीखा है एंड और ज़्यादा अपने आपको आप को आप एनकरेज कर पाए ये जर्नी के अंदर ये विषय में हम समझेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे लास्ट वीक के लिए जो भी बहुत इम्पॉर्टेंट वीक है सो आई एम श्योर मिरर आपका फ्रेंड बन चुका है और आप अभी बहुत ही अच्छे से कंफर्टेबल है अपने मिरर वर्क के एक्सरसाइज में अपने खुद के साथ कम्युनिकेट करते हुए अपनी अंदर की दुनिया को बदलने के लिए बहुत कुछ यहाँ पर हमने सीखा है जैसे कि आई कैन से बिकम मच मोर अवेयर ऑफ व्हाट यू से डू सबसे पहले तो आप अवेयर होते चले जा रहे हैं कि हमें क्या बोलना है क्या करना है इवन सेल्फ टॉक क्या सोचना है उसके बारे में अब आप और अवेयर होते चले जा रहे हैं so, सो सबसे पहले तो हमने अभी तक ये बात को जरूर से सीखा है मोटा मोटा सा भी देखे तो ये बातें हमने जानी है हमारी अवेयरनेस में आई है यस और डियर फ्रेंड्स जस्ट टाइप यस इफ़ यू अग्री यू आर लर्निंग हाउ टू लेट गो वट एवर डज नॉट सर्व यू एटलीस्ट आप ये तो सीखे ही है कि जो आपको सर्व नहीं कर रहा है यानी कि आपके भले के लिए अच्छे के लिए नहीं है चाहे वो विचार हो या एक्ट हो आपके जीवन में आपको पॉजिटिव फीलिंग नहीं दे रहा है आपको लो फील कर रहा है वैसे विचार को आप अब जाने दे रहे हैं रिलीज कर रहे हैं ऐसे एक्ट को वैसे व्यक्ति को और वैसे सिचुएशन को भी आप अट्रैक्ट नहीं कर रहे सो एटलीस्ट यू आर लर्निंग दैट कि हाउ टू रिलीज एंड लेट गो जो आपके हायर गुड के लिए हाईएस्ट गुड के लिए सर्व नहीं कर रहा उसको आप जाने दे रहे हैं यस और यस डियर फ्रेंड्स जस्ट टाइप यस इफ़ यू रियली इन दिस प्रोसेस और जस्ट टाइप यस आई एम इन द प्रोसेस यू आर बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ योर सेल्फ टॉक लिसनिंग केयरफुली टू योर वर्ड्स एंड लर्निंग हाउ टू टर्न देम अराउंड इन टू पॉजिटिव अफॉर्मेशन सेल्फ टॉक को अब आप बहुत ज़्यादा अवेयर होके अवेयर है अपनी सेल्फ़ टॉक के बारे में उसको आप सुन रहे हैं बहुत ध्यान से कौन से शब्द आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप देख रहे हैं और सीख रहे हैं और उसको आप यू नो पॉजिटिव टर्न कर रहे हैं आपकी सेल्फ टॉक को ऑल्टर कर रहे हैं जो आपके हाईएस्ट गुड को सर्व करता है उसको ही आप अब देखते हैं सुनते हैं और उसको बढ़ावा देता है दे रहे हैं डोंट यू थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग्स ये हम और आप जीवन में ऐसा कुछ सोचते हैं समझते हैं या कुछ प्री डिफाइंड है हमारे माइंड में कि कुछ बहुत बड़ा चमत्कार होता है तभी हम ऐसा कह सकते हैं कि यस आई कुड ट्रांसफॉर्म माई लाइफ एंड आई कुड हील माई लाइफ यही चमत्कार है भाई आप कोई आपके सामने कोई देवी देवता आके आपको बोलेगा नहीं जैसे हम वो सीरियल में या मूवी में देखते हैं वैसी फैंटेसी में नहीं रहना है ये आप चमत्कार ही कर रहे हैं आपके जीवन के अपनी लाइफ को खुद कॉन्शियसली आप ऑल्टर कर रहे हैं एंड आप ऑलरेडी ये चमत्कार अपने साथ पिछले दो वीक से कर रहे हैं एंड आई एम श्योर यू आर वेरी हैप्पी जस्ट चेयर एंड जस्ट मेक सम नॉइज एंड सेलिब्रेट राइट जस्ट से कंग्रेचुलेट टू योर सेल्फ एंड जस्ट से च्यस राइट okay so you introduce what you have learned we are just reviewing what you introduce yourself to your inner child very important i told you from the inner child you are beginning to understand what this little one is feeling आपने अपने इनर चाइल्ड के ऊपर काम किया कि आपके अंदर का बच्चा क्या चाहता है एंड uh, आप सच में एज अ चाइल्ड अपने अंदर का कनेक्शन इस्टाब्लिश किया जो कहीं पर एज अ एडल्ट आप डिसकनेक्ट थे या उसको कहीं ना कहीं दबा दिया था और अब आप नेचुरली जो आप है वैसा आप जी रहे हैं और अपने अंदर के बच्चे को आप हाथ में लेके साथ में चल रहे हैं और हमेशा कह रहे हैं मैं हूँ ना और उसको आप जो भी पसंद है उसको सर्व भी कर रहे हैं उसको खुश रख रहे हैं इन शॉर्ट आप जिंदा दिली से जी रहे हैं यस सर यस डियर फ्रेंड्स सो यू आर बिगनिंग टू पे अटेंशन टू योर बॉडीज़ ऑल्सो विद द इनर चाइल्ड एक्टिविटी बॉडीज मैसेज यू स्टार्टेड लिसनिंग हमने जो हेल्थ एरिया में काम किया था यू आर बिगनिंग टू फीड योर बॉडी द लविंग नरिशमेंट इट नीड्स एनकरेज थाट्स एंड पॉजिटिव अफॉर्मेशन आप अपने बॉडी को जो चाहिए वैसे फीड कर रहे हैं नरिश कर रहे हैं और पॉजिटिव थॉट्स से उसको एनकरेज भी कर रहे हैं और इस तरीके से हेल्थ के एरिया में भी आप और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और अवेयर भी होते चले जा रहे हैं आप अपने सारे जो पेन है उसके पीछे जो पॉजिटिव इंटेंशन और मैसेज है उसको भी आप सुनने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझ रहे हैं और होलिस्टिक अप्रोच से अपने हेल्थ एरिया में आप बेटर रिजल्ट लेते चले जा रहे हैं एंड आपको उसके परिणाम भी मिलने लगेंगे और मिलने लगे होंगे और ऐसे कोई रिजल्ट्स मिल रहे हैं सो प्लीज़ शेयर बिलो दिस वीडियो इन द कमेंट बॉक्स सो बाकी के लोग भी इंस्पायर हो आपकी कमेंट भी एक बहुत बड़ी हेल्प है आप बाकी लोग जो अभी भी डलीमा में है कंफ्यूज है डिअलिटी में है नॉट श्योर sure है जजमेंट कर रहे हैं उनको भी आपकी कमेंट से वैलिडेशन मिलेगा और अपनी इनर ग्रोथ की ये जो जर्नी हमने शुरू करी है आप सबको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो आपके जीवन में उसका लाभ सबको मिले आप चाहते हैं कि आपकी कमेंट से ही किसी को फ़ायदा हो तो इतना तो हम कर ही सकते हैं सो प्लीज़ कमेंट एंड शेयर योर पर्सनल एक्सपीरियंस

एंड आई एम श्योर यू आर डूइंग दिस राइट सो दैट डजन मीन की मैं एंगर को बढ़ावा दे रही हूँ बट गुस्सा आ जाता है तो आ गया अकनॉलेज एंड डील विथ इट डील विथ मीन्स ओके आया है गुस्सा किस बात का आया है जो बात को लेके आया है उसका सॉल्यूशन ढूंढे वो पर्सनस को लेके आए तो पर्सन के साथ बैठ के बात करें आपके खुद के साथ आपकी रूटीन से गुस्सा है तो बैठ के आराम से सोचे टेक अ डीप ब्रेथ एंड सोचे कि मुझे मेरी लाइफ में क्या चेंज लाना है जिससे मैं इरीटेट हो रहा हूँ वो ना हूँ राइट सो यू कैन डील नाउ योर एंगर यू आर एबल टू डील इट राइट जस्ट टाइप दैट आई एम एबल टू डील माई एंगर नाउ, आई एम आई एम एबल टू गिव द डायरेक्शन टू माई एंगर नाउ, ग्रेट कन्ग्रेचुलेशंस यू आर नॉट यू यू आर नॉट योर फियर वी हैव लर्न इवन दैट वी ओवरकम फ्यर वी हैव लर्न इवन दैट यू आर नॉट योर फीयर आप अपने फियर नहीं हैं फियर इज़ ओनली अ लिमिटेशन ऑफ योर माइंड जो हमारे हमें अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए हम जो फियर करते हैं दैट मीन्स हमें हम अपने पर भरोसा नहीं है हमारी एबिलिटी के ऊपर भरोसा नहीं है तो यू आर नॉट योर फियर फियर इज़ ओनली अ लिमिटेशन ऑफ योर माइंड यू ऑलवेज हैव अ चॉइस बिटवीन लव एंड फियर सो अपने आपके अंदर के रूम को आपने फियर को रिप्लेस करते हुए लव से भरा है और फियर को भी आपने ओवरकम किया है आपने हमेशा ऐसा कहा है आज आपने ये सीखा है कि आई एम सेफ़ एंड ऑल इज़ वेल इन माई वर्ल्ड तो देर इज़ नो स्कोप देर इज़ नो रूम फॉर फियर अंदर की दुनिया में देर इज़ नो रूम फॉर फियर यू कुड ओवरकम इवन फॉर दैट या नेचुरली थोड़ा बहुत फियर होता है बट वो आपको हावी हो जाए और आप बिल्कुल पैरालाइज हो जाए वैसा अब नहीं होने वाला यू आर नॉट अलाउविंग बिकॉज यू आर सेफ एंड ऑल इज़ वेल इन योर वर्ल्ड राइट जस्ट दैट ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड राइट सो हाउ यू स्टार्ट योर डे इज ऑफन हाउ यू लीव योर लाइफ ये भी बहुत ब्यूटीफुल थिंगस वी हैव लर्न इट कि कैसे आप अपना दिन शुरू करते हैं पहला वन आर क्या सोचते हैं उठते वक्त कैसे करते हैं फर्स्ट आर हाउ यू टेक द बाथ बात के वक्त कैसे सोचते हैं व्हेन यू ड्रेस कैसे क्या सोचते हैं व्हेन यू प्रपेयर योर ब्रेकफास्ट क्या सोच आती है जब आप ऑफिस की तरफ जाते हैं कैसे करते हैं इफ इफ़ यू डू एक्सरसाइज क्या सोचते हैं उस वक्त इससे आपका पूरा दिन और पूरी जिंदगी उसके ऊपर निर्भर रहती है तो हाउ यू स्टार्ट योर डे यू हैव लर्न इवन एंड सो ब्यूटिफुल थिंग्स यू हैव लर्न सो सी हाउ मच यू हैव ऑलरेडी लर्न इन जस्ट फोर्टीन डेज मेक्स अ नॉइज डियर फ्रेंड्स एंड जस्ट कंग्रेचुलेट एंड च्यूर्स कंटिन्यू टू गिव योर सेल्फ एवरी एनकरेजमेंट एज यू गो थ्रू दिस न्यू एक्सपीरियंस ऑफ मेरा वर्क ऑलवेज नो दैट आई एम ह्योर बाय योर साइट आई एम ऑलवेज बाई योर साइड एंड आई एम you, फॉर यू बट प्रोवाइडेड यू नीड टू वर्क आपको भी काम करना पड़ेगा आस्ट क्वेश्चन इफ यू हैव एनी बट प्लीज़ वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमेंट here, शेयर दिस वीडियोज़ with अदर्स एंड इवन एनकरेज with अदर्स ऑल्सो क्यों क्योंकि आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं बट लोगों को भी साथ में जोड़ेंगे और वो लोग भी आ, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे तो एक ऐसा एटमोसफियर माहौल कल्चर हम डेवलप कर पाएंगे हमारे आसपास जो हमें चाहिए जिससे हम हमारी अंदर की दुनिया को बदला है वही बाहर की दुनिया हम बना पाते हैं आसपास में लोगों को सिखाते हुए शेयर करते हुए तो हम वो माहौल में लंबे समय तक रह पाएंगे और सब मिलकर पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे यस और यस डियर फ्रेंड्स सो इवन शेयर विथ अदर्स ऑल्सो सो लेट्स अफम हियर आई एम

आई एम श्योर यू हैव सो उसको ढूँढिए टेप दिस फोटो ऑन योर बाथरूम मिररर बाथरूम मिरर के ऊपर वो उसको लगाइए टॉक टू यू नो टॉक दैट वाइब्रेंट एंड हैप्पी चाइल्ड इन द फोटो ये वाइब्रंट एंड हैप्पी चाइल्ड जो फोटो में है उसके साथ अब बात करें टेल दिस चाइल्ड हाउ मच यू वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन आप वो बच्चे को कहे कि एग्जैक्टली हाउ मच आप कितना ऐसा चाहते हैं एग्जैक्ट वैसा फील करना जैसा उस वक्त ऐसा बच्चे आप खुश थे और कर रहे थे बी ऑनेस्ट और कहिए कि टेल दिस चाइल्ड हाउ मच यू वॉन्ट टू फील ऐसा सेम आप दैट वे अगेन ऐसा सेम अगेन आप फील करना चाहते हैं जैसे उस वक्त वो बच्चा खुश था ऑनेस्टली कहिए अपने चाइल्ड को कम्युनिकेट डिस्कस विथ योर इनर चाइल्ड यू ट्रू योर ट्रू फीलिंग्स एंड वॉट्स होल्डिंग यू बैक आपकी ट्रू फीलिंग्स आपके इनर चाइल्ड के साथ डिस्कस करें जो आपने कहीं ना कहीं अभी होल्ड करके रखी है बींग एडल्ट यू आर वेरी सीरियस और बच्चे होते हैं तो स्का इज लिमिट कितना भागते हैं खुश रहते हैं रोते भी है तो मज़े से रोते हैं खुल के करते हैं जो भी काम करते हैं लुकिंग गुड जैसा कुछ है ही नहीं ना और बींग एडल्ट सबसे बड़ा तो रोग यही है लोग कहेंगे क्या लोग लुकिंग गुड में अंदर हम रहते हैं बहुत सारे इमोशंस को दबा के रखते हैं आप अभी भी कह सकते हैं कि मुझे अभी भी खुल के हंसना है खुल के खेलना है खुल के जम के बहुत सारा टीवी देखना है मूवी देखना है बहुत सारा खाना है दोस्तों के साथ घूमना है बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हुए लेजी रहते हुए सोता है वॉट एवर इट इज़ जो भी है आप खुल के कह सकते हैं अपने चाइल्ड के साथ से दिज अफॉर्मेशन टू योर सेल्फ आई एम विलिंग टू लेट गो ऑफ ऑल माई फीयर्स अब आप कहिए ये मिरर वर्क में अपने खुद के साथ मिरर वर्क करें ये अफॉर्मेशन दीजिए आई एम विलिंग टू लेट गो ऑफ ऑल माई फीयर्स मैं मेरे सारे फीयर्स को जाने देने की अनुमति देता हूँ विलिंग तैयार हूँ मैं उसको जाने देने के लिए तैयार हूँ आई एम सेफ मैं सुरक्षित हूँ आई लव माई इनर चाइल्ड मैं मेरे इनर चाइल्ड को प्रेम करता हूँ आई लव यू मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ इनर चाइल्ड अपने आप को बोलना है ये मिरर वर्क में आई एम हैप्पी मैं खुश हूँ आई एम कंटेंट मैं कंटेंट हूँ एंड आई एम लव्ड लोग मुझे भी प्यार करते हैं आई एम लव्ड मुझे प्रेम मिलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिपीट दिस अफर्मेशन टेन टाइम्स टूडे मिरर वर्क में मिरर में सामने देखते हुए ये सारे अफर्मेशन टेन टाइम्स रिपीट करने हैं ईच अफर्मेशन टेन टाइम्स एंड आफ्टर दैट जर्नल वर्क टेक आउट योर जर्नल एंड ओपन ईड टू द फर्स्ट एक्सरसाइज यू डीड ऑन अ डे सेवन अपनी जर्नल को निकाले और देखें आपने डे सेवन में जो फर्स्ट एक्सरसाइज करी थी रीड द फीलिंग्स एंड ऑब्जर्वेशन यू रोट डाउन वेन यू डीड योर मिररल वर्क दैट डे आपने अपनी फीलिंग्स एंड ऑब्जर्वेशन उस वक्त जो लिखे थे उसको रीड करे एंड उसको देखे जो आपने उस वक्त करा था वन ऑन अ न्यू पेज अब नए पेज पर राइट डाउन योर फीलिंग्स एंड ऑब्जर्वेशन टूडे अब आज आप नए पेज में अभी की आपकी जो फीलिंग्स एंड ऑब्जर्वेशन है मोर कॉन्फिडेंट मोर वाइब्रेंट मोर हैप्पी सो जो भी आपकी फीलिंग्स और ऑब्जर्वेशन है आपकी खुद की लाइफ की आपके अंदर की जर्नी की ये पूरे प्रोसेस में अब आप उसको लिखे और आई एम श्योर वो आपने जो डे सेवन में लिखा है उससे अलग हो सकता है या सेम है या थोड़ा बेटर है वॉट एवर बट बींग वेरी ऑनेस्ट जो है वो लिखे आफ्टर द सेकेंड वीक ऑफ मिरर वर्क आर द एक्सरसाइजिंग गेटिंग ईजियर फॉर यू आपको सेकेंड वीक के बाद क्या लग रहा है ये जो एक्सरसाइजिंग है सारी वो ईजी लग रही है आर यू फीलिंग मोर कम्फर्टेबल लुकिंग इन टू द मिरर आपको मिरर वर्क में देखते हुए अभी और ज़्यादा कम्फर्टेबल हो रहा है कम्पेयर टू द फर्स्ट डे फर्स्ट वीक ऑफ कोर्स जो भी है यस नो या आई एम इन प्रोसेस सो आई एम इन प्रोसेस जो भी है लिखिए पॉइंट नंबर फोर राइट डाउन वेयर यू आर हैविंग द मोस्ट सक्सेस आपको कहाँ पर सबसे ज़्यादा सक्सेस मिल रही है वो लिखिए और कहाँ पर ज़्यादा आपको डिफिकल्टी और ट्रबल अभी भी हो रही है वो भी लिखिए फाइव क्रिएट अ न्यू मिरर वर्क एक्सरसाइज एंड अफॉर्मेशन टू हेल्प यू इन दोज एरियाज़ वेर यू आर एक्सपीरियंसिंग ब्लॉक्स आप अपने मिरर वर्क की एक्सरसाइज के लिए आप अफॉमेशन क्रिएट करें जो आपको और ज़्यादा हेल्प करे जो एरिया में अभी भी आपको लग रहा है कि ब्लॉक्स है आपको ऐसा एक एक्सपीरियंस हो रहा है ब्लॉक्स यानी आप कहीं अभी भी स्टक है तो वैसे आप अफॉर्मेशन क्रिएट करें मिरर वर्क एक्सरसाइज एंड अफोमेशन क्रिएट करें राइट डियर फ्रेंड्स सो ये आज का आपका जर्नलिंग वर्क है और आज का थाट हार्ट थाट जो आपको ट्वेंटी वन टाइम्स लिखना भी है और वो ये है आई एम विलिंग टू सी ओनली माई मैग्निफिसेंस मैग्निफिसेंस यानी कि भव्यता मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा ब्राइट साइड देखता हूँ मेरी भव्यता को देखता हूँ हम लोग हमेशा डार्क साइड को देखते हैं आज फोर्टीन डेज कम्प्लीट हो रहे हैं टू वीक्स कम्प्लीट हो रहे हैं जस्ट अलाउ योर सेल्फ एंड लेट गो ऑल दिस लिमिटिंग बिलीफ नेगेटिव थाट्स एंड जो आपको हर्ट करते हैं वैसे सारे विचारों को भी जाने दे डोंट अलाउ योर सेल्फ टू बींग हर्ट एक हर्ट नहीं होना है वैसी सोच से ऐसे व्यक्ति से दूर रहना है और सिर्फ और सिर्फ अपनी भव्यता को ही देखना देखना है मैग्निफिसेंस यानी अपने अपने अंदर की ब्राइट साइड को देखना है एंड आई एम विलिंग टू सी दैट और मैं इसको देखने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ राइट right? तो ये बताना है ये ट्वेंटी वन टाइम्स लिखना है ये आपका आज का हार्ड थाट्स है एंड वंस यू डन विथ योर जर्नल वर्क आज का मेडिटेशन है वो है फील योर पावर बहुत ही ब्यूटिफुल बहुत इंपॉर्टेंट आज की थीम से रिलेटेड है आज का ये मेडिटेशन डे फोर्टीन का फील योर पावर टू वीक्स हैज़ ऑलरेडी बिन कम्प्लीटेड सो नाउ इट इज़ अ राइट टाइम फील योर पावर एंड ईवन राइट डाउन योर एक्सपीरियंस आफ्टर द मेडिटेशन ऑल्सो एंड प्लीज़ कॉमेंट हमारे जो ऑनलाइन जो मेरी डिजिटल स्कूल है जहाँ पर आप मेडिटेशन सुनते हैं वहाँ पर भी कॉमेंट बॉक्स में आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं सो फील योर पावर ट्रूली एंड इन्जॉय दिस प्रोसेस कल हम थर्ड वीक के अंदर एंटर होंगे और नई थीम के साथ एंटर होंगे डियर फ्रेंड्स आपको सच में हमारे प्रयास अच्छे लग रहे हैं सो हमारी प्रोफाइल को रेट और रिव्यू करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है गूगल प्रोफाइल हमारी फेसबुक प्रोफाइल को भी फॉलो यू नो रेट एंड रिव्यू करें हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करें और भाई मेरी चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए और बेलाइकॉन को बजाए क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे मैं आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे कोर्सेस अपलोड करने वाली हूँ जहाँ से आप घर बैठे अपने जीवन को बदल सकते हैं और मत भूलेगा कि आप जितना सीखते हैं ना उतना ज़्यादा ग्रो करते हैं उतना ही ग्रो करते उतना आप लोगों को शेयर करें सो कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग विद अदर्स डियर फ्रेंड्स